अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाऊंगी मैं आटा कैसे गूंथती हूँ। स्टैंड मिक्सर यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ही सस्ता सा और पुराना सा स्टैंड मिक्सर है। केनवुड का स्टैंड मिक्सर है ये। और आटा और पानी का रेशियो is 2:1, मतलब 2 कप आटा और 1 कप पानी। स्टैंड मिक्सर के साथ बहुत सी अटैचमेंट्स आती हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे ये के बीटर जो है इनका सबसे बेस्ट है हमारे आटा गूंदने के लिए। सबसे पहले 2 कप आटा डाला है और 1/2 कप पानी डाला है। मशीन ऑन कर दी है मीडियम स्पीड पर। थोड़ी देर के बाद मैंने 1/2 कप पानी फिर से डाल दिया है। मुझे इससे ज़्यादा पानी डालने की नहीं ज़रूरत पेश आती है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पेश आए तो सिर्फ छीटा, थोड़ा सा छीटा पानी का डाल दें और आटा आपका बिल्कुल बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ना बहुत सॉफ्ट होगा ना बहुत हार्ड होगा। 2 मिनट के बाद मैं तेल डालती हूँ। तेल रूम टेम्परेचर पर है और कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुकिंग ऑयल जो भी यूज़ करती हूँ घर में होता है वही इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसके बाद 1 मिनट और मशीन चलाएं और आटा मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी होता है। आप फिर से चेक कर लें, देखें बिल्कुल साइड्स पर बोल के साइड से वो आराम से उतर आता है। कोई इवन जो अटैचमेंट है उससे भी वो बहुत आराम से सेपरेट हो जाता है आटा। हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएं और डो की बॉल बना के अब आप इसको थोड़ी देर रेस्ट करने दें या तो फ्रिज में रख दें अगर आपने अभी फ़ौरन नहीं कुछ बनाना। अगर आपने बनाना है तो आप इसको 20 से 30 मिनट रेस्ट कराने के बाद आप अपनी रोटी या पराठा बना सकते हैं। कोई और सवाल हो तो प्लीज़ पूछिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।